मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में यूनिट इंजेक्टर सिस्टम क्या होता है, फिर डिस्कस किया था कॉमन रेल से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वो क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसका डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या नंबर ऑफ नोजल लगे हुए, चार नंबर ऑफ नोजल लगे हुए, चार नंबर ऑफ नोजल कितने कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड। डिस्ट्रीब्यूटर किससे कनेक्टेड होता है, हाई प्रेशर पंप से कनेक्टेड था, हाई प्रेशर पंप फिल्टर से कनेक्टेड था, फिल्टर से प्राइमरी पंप जिसको हम लिफ्टिंग पंप भी बोलते हैं, और लिफ्टिंग पंप से फिल्टर, फिल्टर से फ्यूल। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर इसमें कनेक्टेड थे पार्ट्स इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है, जो फ्यूल है वो फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई किस में गया, फिल्टर में, प्राइमरी फिल्टर में गया। इस प्राइमरी जो डस्ट पार्टिकल ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में ये कहा जाएगा प्राइमरी पंप के अंदर, प्राइमरी पंप जिसको हम लिफ्टिंग पंप भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो फ्यूल लिया है फ्यूल टैंक से उस फ्यूल को हाई प्रेशर पंप में सप्लाई कर देने का, फिल्टर की हेल्प से हाई प्रेशर पंप में सप्लाई कर देता है। ये सेकेंडरी फिल्टर लगा हुआ है, इसका काम का जो भी बचे हुए डस्ट पार्टिकल रहेंगे, रिमेनिंग बचे हुए डस्ट पार्टिकल, उस सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो क्लीन जो फ्यूल है उस क्लीन फ्यूल को हाई प्रेशर पंप में सप्लाई करेगा। हाई प्रेशर पंप में जाने के बाद क्या होता है, उस जो फ्यूल है उस फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में वो हाई प्रेशर फ्यूल है वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से नंबर ऑफ इंजेक्टर कनेक्टेड होते हैं, नंबर 1 2 3 नंबर ऑफ इंजेक्टर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, जो भी हाई प्रेशर फ्यूल है उस हाई प्रेशर फ्यूल को जो इंजेक्टर है उस इंजेक्टर के अंदर सप्लाई करना। अब ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है वो डिपेंड करता है इसके अंदर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक वाल्व, ओपनिंग वाल्व लगे देते हैं, ये नंबर ऑफ ओपनिंग वाल्व लगे हुए, ये नंबर ऑफ ओपनिंग वाल्व लगे हुए, ये सारे ओपनिंग वाल्व किससे कनेक्टेड है, कैम से कनेक्टेड है। ये नंबर ऑफ कैम हर एक इंजेक्टर के लिए एक ओपनिंग वाल्व लगा हुआ जो कि कैम से कनेक्टेड है। ये वाला इंजेक्टर इससे कैम से कनेक्टेड है, फिर इससे कैम से कनेक्टेड है, इस तरह नंबर ऑफ जो कैम है उस कैम से कनेक्टेड होते हैं ऑपरेटिंग वाल्व। और ये किससे कनेक्टेड होता है, गियर के थ्रू ड्राइविंग शाफ्ट से, कैम शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्यूल पंप है, जो प्राइमरी फ्यूल पंप और जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप है उसको चलाने के लिए इसके अंदर कैम का काम मिले, कैम की हेल्प से हाई प्रेशर पंप और प्राइमरी पंप को चलाया जाता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कैम क्या करेगी, जब कैम इसको कैम जो वॉल्व को जो नंबर ऑफ वॉल्व लगे इस वॉल्व को कैम ऑपरेट करती है कि किस नंबर ऑफ सिलेंडर के अंदर, इंजेक्टर के अंदर फ्यूल को सप्लाई करना। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही वही कि डिस्ट्रीब्यूट करना फ्यूल को किस नंबर ऑफ सिलेंडर, जो इस वॉल्व है वॉल्व किस ऑपरेट हो रही, कैम से हो रही। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करेगा कि इसके किस नंबर के सिलेंडर के अंदर, इंजेक्टर सिस्टम के अंदर फ्यूल को सप्लाई करना। वो हाई प्रेशर फ्यूल जो डिपेंड करेगा, हाई प्रेशर फ्यूल उस इंजेक्टर सिस्टम में जाएगा, और इंजेक्टर सिस्टम में जाने के बाद क्या कारण क्या होगा, जो हाई प्रेशर फ्यूल है वो ऑटोमाइज हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर किसमें, सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर देगा। अब ये डिपेंड करता है जो डिस्ट्रीब्यूटर फायरिंग ऑर्डर पर डिपेंड करेगा कि जो फायरिंग ऑर्डर है उस फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कि किस नंबर के सिलेंडर के अंदर फ्यूल सप्लाई करना, इंजेक्टर में फ्यूल सप्लाई करना, वहाँ पर ये वॉल्व ऑपरेट, डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व है वो कैम शाफ्ट के थ्रू, कैम के थ्रू इसमें ऑपरेट हो रहा है कि किस नंबर को के अंदर फ्यूल को सप्लाई करना है। तो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस तरह काम करता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है इसके अंदर। जैसा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है इसमें बताया गया है, इसमें इंजेक्शन नोजल लगी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर मीटरिंग, हाँ जो हाई प्रेशर पंप है उसको हम मीटरिंग पंप भी बोलते, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, उस फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, जो फ्यूल सप्लाई और उस फ्यूल सप्लाई क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है, और ये कैम के थ्रू ऑपरेट होता है, प्रेशर पंप होता है। ये कैम्स लगी हुई रहती है, ये गियर ड्राइव है जिसको पावर ट्रांसमिट करती है, कैम को रोटेट कराने के लिए गियर इस गियर ड्राइव से कनेक्टेड रहती है इसके अंदर।
जो कि ये क्या करता है, इस कैम को ऑपरेट करती है, कैम को चलाती है, कैम शाफ्ट चलाती है, कैम शाफ्ट से कैम कनेक्टेड जो कि क्या करती है, इस वॉल्व को ऑपरेट करती है। वॉल्व के थ्रू ये किस वॉल्व की किस नंबर ऑफ इंजेक्टर के अंदर फ्यूल को सप्लाई करना। तो इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्टर सिस्टम काम करता है इस तरह।